हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सभी बीएलई भाइयों को आईसीआईसीआई बैंक बीसी सीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग इसके लिए एलिजिबल हों, जिन्हें मैसेज भी आया होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करें, बीसी पॉइंट के लिए अकाउंट खुलवाएं। तो जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ से केवाईसी हो जाती है। केवाईसी होने के बाद आपका अकाउंट नंबर ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो ये बैंक के साथ शेयर हो जाता है, फिर धीरे से आपकी सर्विसेज चालू हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब आपका ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट को आप जैसे AOA फॉर्म है, इसको प्रिंट निकाल के इसे पूरे तरीके से फिल करना है आपको। इसमें सिग्नेचर करना है आपका, उसके साथ KYC का प्रिंट निकालना है आपको, और आपके पैन कार्ड की कॉपी, इनमें सभी में सिग्नेचर करके आपने जिस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है बीसी पॉइंट, उस ब्रांच में जाके इसे सबमिट करना होता है। तो सावधान इसलिए कहा है मैंने कि आपको इस सारे प्रोसेस के लिए किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपए नहीं देना है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आईसीआईसीआई बैंक का जो बीसी पॉइंट आपको सीएससी के थ्रू दिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी भी तरह का पैसा किसी को ना आपको देना है। कोई कितना भी बोले या मैसेज करे या फ्रॉड कॉल आए आपके पास, दूसरी चीज जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए, ये एक SMS MP के लिए है, बैंकिंग टीम CSC MP। इसमें साफ लिखा है प्री BLE आपको ICICI बैंक के BC पॉइंट के लिए चयनित किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से निशुल्क है। अगर कोई भी आपसे किसी तरह की डिमांड करता है या पैसे की मांग करता है, तो नीचे दी गई ईमेल ID पर अपनी शिकायत दर्ज करें। ये पहली CSC ID, ये दूसरी ID। ये तो था MP वालों के लिए। यदि आप कहीं बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप किसे रिप्लाई देंगे कि आपको कोई पैसे की डिमांड कर रहा है किसी तरह से, या तो बैंक कर रहा है या कोई और अन्य व्यक्ति कर रहा है। तो आइए मैं आपको उसके लिए भी बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको उसके लिए सबसे पहले टाइप करना है, बैंक मित्र की साइट पर जाना है bankmitra.csclub.in। जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे, जहाँ से आपने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन किया, आप तो जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट में हमेशा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट देखे हुए हैं सब जगह। अभी यहाँ पे देखिए FI बैंकिंग ऑफिसर की एक लिस्ट डली हुई है। इस लिस्ट में जैसा कि अभी मैंने आपको MP का बताया, ये देखिए MP में मध्य प्रदेश जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, तो ये मध्य प्रदेश की स्टेट हेड, बैंकिंग SPOC, बैंकिंग टीम HDFC SPOC, ये डिटेल खुल के आएगी। इनके कॉन्टेक्ट नंबर, इनका ईमेल ID, जो मैंने आपको ये देखिए, ये जो ईमेल ID है, ये देखिए, ये यहाँ पर है। बस इसी तरह से स्टेट हेड आपको यहाँ पे देखना है। जैसे आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, ये देखिए छत्तीसगढ़ के लिए ये स्टेट हेड, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल ID। इसी तरह चलिए और कहीं चले जाते, तमिलनाडु देख लेते हैं, ये देखिए तमिलनाडु में भी सभी स्टेट का जो भी स्टेट हेड होंगे उनकी सारी ईमेल ID आपको यहाँ दी हुई है। साथ ही बैंकिंग जो SPOC हैं, जो बैंकिंग का ही काम देखते हैं, उनका मेल ID, उनका नंबर भी यहाँ दिया हुआ है। यदि किसी भी तरह की आपको ऐसा पैसे की डिमांड की जाती है, तो तुरंत आप इस नंबर पर कॉल कर दें या आप मेल कर दें इस मेल ID पे। बस इसीलिए सावधान किया गया आपको, और कुछ नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना काम जारी रखें। थैंक यू।